हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, हिंदी वर्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसे पोर्टल के बारे में बताने वाले हैं जहां पे आप किसी भी बैंक की मिनी स्टेटमेंट आसानी से निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स जब भी बैंकिंग संबंधी काम करते हैं और किसी के खाते से कोई पैसे की निकासी या जमा करते हैं तो वहां पे उन्हें स्टेटमेंट देखने की कहीं पे भी सर्विस नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पोर्टल है यहाँ पे आपको बड़ी ही आसानी से किसी भी बैंक की मिनी स्टेटमेंट निकालने की सर्विस दी जाती है और साथ ही साथ यहाँ पे आधार पे की सर्विस है और साथ ही साथ यहाँ पे जो सर्विसें मिलती है जैसे कैश विड्रॉल की वो आपको यहाँ पे मिलती है, बैलेंस इंक्वायरी की सर्विस आपको यहाँ पे मिलती है और भी ढेर सारी सर्विसें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको यहाँ पे लाइव दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से आप इस पोर्टल से किसी भी बैंक की मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, उसकी बैलेंस इंक्वायरी कैसे कर सकते हैं और आधार पे सर्विस का यूज कैसे करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप भी ये लाइव मिनी स्टेटमेंट निकालना सीखना चाहते हैं सो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का देखते रहिए। चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, इस सेवा का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आपको आना है गूगल में और फ्रेंड जैसे ही आप गूगल में आते हैं तो आपको यहां पे लिखना है ऑनलाइन के रिचार्ज। जैसे फ्रेंड लिखते हैं देखिए आपके सामने सर्विस आ जाएगी, आपको इसे सर्च करना है। सो फ्रेंड जैसे ही आप यहां पे आते हैं तो देखिए आपको यहां पे ऑनलाइन के रिचार्ज डॉट इन को खोल लेना है। फ्रेंड जैसे आप इसे खोलते हैं तो इसका लिंक सीधे ही मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इससे क्लिक करके सीधे आप यहां पे आ सके। अब फ्रेंड देखिए आपको सबसे पहले यहां पे आके क्या करना है, पार्टनर रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करना है। फ्रेंड जब आप यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेंगे उसी के बाद आपको यहाँ पे इसका यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, उसके बाद ही जो आप यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट आधार पे और ढेर सारी सेवाओं का लाभ यहाँ से उठा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे पार्टनर रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं। फ्रेंड जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है। तो जैसे मैं भर लेता हूं, देखिए यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट नेम देना है, उसके बाद फ्रेंड देखिए आपको यहाँ पे अपना कंप्लीट जो एड्रेस है वो पूरा भर देना है। तो फ्रेंड देखिए एड्रेस हमने डाल दिया है, हम यहाँ पे इंडिया चुन लेते हैं। इसके बाद देखिए हमारे सामने नीचे एक और ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हम अपना स्टेट चुनते हैं, किस स्टेट से हमें। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपनी सिटी चुननी है, जो भी आपकी सिटी है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप सिटी चुन लेंगे। यहाँ पे आपको अपना पिन कोड देना है, जिप कोड में अपना पिन कोड डाल दीजिए, जो भी आपका पिन कोड है। ईमेल आईडी में अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए, मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिए। तो चलिए हम भर के नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद फ्रेंड देखिए ये आपसे वेरिफिकेशन कराएगा तो आपके नंबर पे एक ओटीपी भेजाएगा, आपको उस ओटीपी को यहाँ पे डालना है और सबमिट एंड नेक्स्ट करना है। फ्रेंड जैसे ही आप सबमिट एंड नेक्स्ट करते हैं तो आप देख पाएंगे आपके सामने इस प्रकार से पेज आ जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना पैकेज चुनना है कि आप रिटेलर बनना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, तो आप यहाँ पे जैसा रिटेलर चुनेंगे। और यहाँ पे देखिए आपका जो आईडी है वो यहाँ पे आ गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है तो यहाँ पे पासवर्ड बना लीजिए और सबमिट के बटन पे क्लिक करिए। इसका फ्रेंड जैसे आप सक्सेसफुली अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बना लेते हैं तो देखिए अब आपको यहाँ पे क्या करना है। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे रिटेलर पार्टनर लॉगिन पे क्लिक करना है, ये ग्रीन सा दिख रहा है आप देख लीजिए, आपको यहाँ क्लिक करना है। फ्रेंड जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने इस प्रकार से ये पेज आ जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपने यूजर आईडी बनाया है वो यहाँ पे डालना है, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है और यहाँ पे पिन डालना है और लॉगिन करना है। अब फ्रेंड जैसे आप यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो आप देख पाएंगे इस प्रकार से ये जो है आपका लॉगिन हो जाएगा, जो कि आपका डैशबोर्ड है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको जो मेन बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं मिनी स्टेटमेंट और आधार पे की सर्विस के बारे में। फ्रेंड वैसे भी यहाँ पे ढेर सारी सर्विस है, जैसे देखिये रिचार्ज, बिल पेमेंट्स, पेटीएम वॉलेट, बस बुकिंग, टू व्हीलर इंश्योरेंस, अमेजोन कूपन, मनी ट्रांसफर, ठीक है। और यहाँ पे एक से दो और तीन तीन एईपीएस की सर्विसें हैं, तो यहाँ पे आपको ढेर सारी सर्विसें देखने को मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स हम देखिए यहाँ पे जो मेन बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं मिनी स्टेटमेंट के ऊपर, तो हम यहाँ पे आईसीआई बीसी एईपीएस के ऊपर क्लिक करेंगे। फ्रेंड जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको मिनी स्टेटमेंट आधार पे और बैलेंस इंक्वायरी और कैश विड्रॉल तो पहले ही से ही है, तो ये तो पहले से ही मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको टेस्ट कराते हैं मिनी स्टेटमेंट की सर्विस को। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मिनी स्टेटमेंट के ऊपर जो है क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट पे क्लिक कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर देना है, उसके बाद आधार नंबर देना है,
उसके बाद आपको बैंक चुनना है, किस बैंक का मिनी स्टेटमेंट आप देखना चाहते हैं, और उसके बाद आपको फिंगर स्कैन करना है और सबमिट करना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम ये कर लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा को चुना है, यहाँ पे देखिए मिनी स्टेटमेंट है और यहाँ पे हम स्कैन फिंगर करेंगे। तो देखिए हमारे मशीन की लाइट जल जाएगी, हम वहां पे अपना जो है थंब रख लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे उंगली रखी और ये स्कैन हो गया। देखिए स्कैन जैसे ही कंप्लीट हो गया, यहाँ पे लिखा गया फिंगर फेस सक्सेसफुली, हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो फ्रेंड चलिए हम सबमिट करते हैं और देखते हैं इसकी स्टेटमेंट आती है या नहीं आती है। सो फ्रेंड्स आप देख पाएंगे यहाँ पे आसानी से 9 जो है ट्रांजेक्शन आ गई, कि कितना यहाँ पे विड्रॉल हुआ है, कितना यहाँ पे जो है डिपॉजिट हुआ है। तो आप देख सकते हैं सीआर यानी क्रेडिट और डीआर यानी डेबिट। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी ट्रांजेक्शन हुई है और टोटल हमें यहाँ पे 9 ट्रांजेक्शन देखने को मिली है। इसके अलावा फ्रेंड देखिए आप यहाँ पे आधार पे कर सकते हैं, आधार के थ्रू किसी को पेमेंट करना है तो आप वो उसके अकाउंट में सीधे ही कर सकते हैं, ये आधार के थ्रू जाएगा। तो आपको आधार पे क्लिक करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, उसका आधार नंबर डालना है और यहाँ पे आपको बैंक चुननी है, किस बैंक में आप पे करना चाहते हैं, उसका कितना अमाउंट आप उसमें पे करना चाहते हो अमाउंट डालना है और सबमिट पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आधार पे की सर्विस के माध्यम से आधार पेमेंट हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको इस सर्विस लेने में कोई समस्या आती है तो यहाँ पे देखिए इनके नंबर दिए गए हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हैं और साथ ही इस ईमेल आईडी पे जो है आप ईमेल भी करके जो है समस्या का समाधान पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड्स मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।